अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ साबूदाना स्नैक्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये इंडिया की ट्रेडिशनल डिश है और वहाँ बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और पाकिस्तान में भी बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं साबूदाने के स्नैक्स। तो इसके लिए हमने लिए हैं कुछ मसाले। ये लिए हैं मैंने टर्मेरिक, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा चिकन पाउडर। ये लिया है मैंने ग्रीन चिल्ली और शिमला मिर्च लिए है, बारीक कटिंग कर ली है। और ये मैंने लिया है पत्तों वाली प्याज, उसको बारीक बारीक कटिंग कर ली है। और प्याज ली है, उसकी बारीक बारीक छोटे छोटे चॉप्ड कर लिया है उसे। और ये देखिए, ये साबूदाना है, ये तकरीबन मैंने भिगो दिया था काफ़ी देर से, तकरीबन 5 आवर्स हो गए हैं। उसे फ्रिज में रख दिया था तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब ये देखिए, इस तरह से ये फूल भी गया अच्छी तरह से। ये सारे मसाले मिक्स कर दीजिए और अच्छे तरीके से इसे मैश कर दीजिए हाथों से ही। कुछ लोग ग्राइंड कर लेते हैं साबूदाने को और कुछ लोग इस तरह से भी, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप ये देखिएगा, टेस्ट करिएगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और ये देखिए, हम 2 आलू बॉईल करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए, जब हमने ये सब कुछ मिक्स कर लिया तो फिर हमने आलू जो है वो बॉईल हो चुका है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और ये मैंने लिया है तकरीबन 2 स्पून बेसन, जो कि इसकी बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। और इसको मिक्स कर लेंगे बेसन को भी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर हम इसके स्नैक्स बना लेंगे। आप गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, जो आपको शेप अच्छी लगती हो आप वैसे बना लीजिए। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छी लगती है। राउंड बना लें या जैसे भी आपको अच्छी लगती है, हार्ट शेप में बना लें या ओवल शेप में बना लें। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा साबूदाना जो है वो उसके थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से मिक्स करते रहेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल, और फिर इसे बनाना आसान होगा। तो ये देखिए, और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और आप लोग की हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो फिर पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। और मैं भी आप लोगों को याद रखती हूँ, और आपको जो अच्छा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी बनाने की ट्राई करूँगी और उसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर मैं बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने राउंड शेप में बना लिया है और एक एक करके इस तरह से बनाते जाएं आप और प्लेट में रखते जाइए। फिर हमने फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल गर्म किया है, ऑयल में से ऐड। ये सारे नगेट्स जो हैं, स्नैक्स जो हैं, वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल जो है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और इसकी अब फ्लेम जो है वो नॉर्मल कर ली है। अब मैं इसमें एक एक करके ऐड करूँगी, इसमें डालती जाऊँगी और ये देखिए फ्राई होते जाएंगे। ये तकरीबन 7 to 8 मिनट्स तक फ्राई होंगे, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, आप इसे इसकी साइड चेंज कर दीजिए, बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इन्हें उतार लेंगे। देखिए,
क्रिस्पी से बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। और आप लोगों को कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, और चटनी वगैरह के साथ भी, केचप के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ।